हेलो दादा, जीवन अभी तक क्यों नहीं आया? नागप्पा साहब ने भरोसा दिया ना, आ जाएगा। हमारे भीम को मारा है। पोता, मेरा पोता। सुनो सुब्रमण्यम सर, मेरे साथ आओ। यस सर। अरे तुम डर क्यों रहे हो? डर कैसे सर, आप है ना। तो सांस क्यों फूल रही है? नहीं सर, बस वो थोड़ा सा सर। अगर मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिख दूं कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो, तो तुम्हारा प्रमोशन तो हो ही जाएगा ना, क्यों? जी हाँ सर। तो लिख दूं? आप चाहे तो। अच्छा, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेंगे, गांव में जाना पड़ेगा सर। वो कितनी दूर होगा? तकरीबन 10 किलोमीटर होगा। एकदम ठीक ठीक बोलो, वरना तुम्हारा प्रमोशन हो ना हो, मेरा इमोशन जरूर बढ़ जाएगा। उसके बाद तो तुम सब जानते ही हो, तो सब कुछ सच सच बताओ। ये पॉलिटिक्स से मेरे के लेने देने सर, ऑर्डर आया मैंने कर दिया। ऑर्डर आया था? किसका ऑर्डर? नागप्पा सर। नागप्पा, वो जो कहेगा तुम वो कर दोगे? शर्म नहीं आती कहते हुए? सर आपने नहीं पूछा फिर भी आपको एक सच बता रहा हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नागप्पा का कहना मानते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। हम हर महीने 2 वेतन लेते हैं सर, एक सरकार से लेते हैं और दूसरा नागप्पा से। सरकार से पैसे लेते हैं इसलिए अपराधियों को अंदर डालते हैं, नागप्पा जी से पैसे लेते हैं इसलिए उनको बाहर छोड़ देते हैं। पैदल चले आना सर।